नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि यानी 52वीं पुण्यतिथि को लेकर के महागठबंधन जो है वो लगातार तैयारी कर रहा था। उपेंद्र कुशवाहा को जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी और आप मंच पर देख सकते हैं तमाम बड़े नेता महागठबंधन के जो है वो मौजूद है। यहाँ पर तेजस्वी यादव की बात करें, शरद यादव, VIP और अन्य दल जो थे महागठबंधन में शामिल वो जो है वो तमाम नेता मौजूद है। साथ में उनके विधायक भी मौजूद है, अब्दुल बारी सिद्दीकी को आप देख सकते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। 52वीं पुण्यतिथि को लेकर के यह पूरा का पूरे तैयारी की गई थी कि महागठबंधन को किसी तरीके से जनता के सामने जो है वो एकजुट दिखाना है। उसी कड़ी में आज जो है 52वीं पुण्यतिथि के दिन बिहार की जनता को महागठबंधन के नेता ये दिखा रहे हैं कि हम एकजुट हैं, क्योंकि उपचुनाव की जब सीट बंटवारा उसमें राजद ने 4 सीटें ले ली, जिस कारण से ऐसा माना जा रहा था कि गलत मैसेज गया है जनता के बीच में कि राजद जो है अपनी मनमानी कर रहा है। और इस बीच आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है ये दिखाने के लिए कि महागठबंधन जो है वो एकजुट है। आगे आपको बढ़ के दिखाते हैं किस तरीके से VIP के मुकेश सहनी जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं तेजस्वी यादव से। और अगर आप मंच के विपरीत ओर देखेंगे तो पूरे तरीके से जो जनता है वो उमड़ पड़ी है महागठबंधन के नेताओं को सुनने के लिए। कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद है, तेजस्वी यादव का काफी लोग इंतजार कर रहे थे। तेजस्वी यादव बाकी दिनों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, उसके बाद से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि जो है वो महागठबंधन के लिए सचमुच एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया था किस तरीके से अपनी बिहार की जनता को वो दिखा सके कि हम एकजुट हैं और हम बिखराव नहीं हुआ है। और सचमुच कहा जा सकता है जिस तरीके से लोग पहुंचे और यहां पर महागठबंधन के तमाम नेता पहुंचे हैं तो इसे कहा जा सकता है कि ये सफल हो चुका है। जो पुण्यतिथि के दिन जो मैसेज देना चाह रहे थे तमाम महागठबंधन के नेता बिहार की जनता को तो वो सक्सेस हो चुका है। मगर आने वाले समय में क्या महागठबंधन इसी तरीके से एकजुट दिखेगा? आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या महागठबंधन एकजुट होकर के विपक्ष का जो है वो सामना कर पाएगा? ये देखने वाली बात होगी कि कहीं महागठबंधन जो है फिर से ना बिखर जाए। बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।